हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। बच्चों आज हम लोग जो है क्लास लेके मैथ सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे बेटा, सब्ट्रैक्शन डीकम्पोजिशन चेंजिंग टेंस। ठीक है, इससे पहले वाले क्लास में बच्चों हम लोग जो है सब्ट्रैक्शन में जो है नो बॉरोइंग या विदाउट बॉरोइंग जो पढ़े थे, या नो डीकम्पोजिशन। ठीक है, आज हम लोग डीकम्पोजिशन यानी कि उधार वाला जो घटाना होता है उसको हम पढ़ने वाले हैं। इसमें चेंजिंग टेंस मतलब केवल टेंस के प्लेस में ही आपको चेंजिंग दिखाई देगा। आइए एग्जांपल के द्वारा इसको हम देखते हैं बच्चों। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मतलब पेज नंबर आप देखेंगे 25 फर्स्ट एग्जाम्पल के रूप में पहले देखे 100, 10, 1 थ्री डिजिट के नंबर का हम लोग सब्ट्रैक्शन यहाँ पर सीख रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ 9 है, 7, 2 और यहाँ पर 4, 3, 5 972 में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको 435। ठीक है, तो यहाँ पर आपको केवल चेंजिंग टेंस आज का जो टॉपिक है आपका सब्ट्रैक्शन डीकम्पोजिशन चेंजिंग टेंस मतलब टेंस के डिजिट में आपको चेंज करना है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ जो जो वन का प्लेस है, वन के कॉलम में ये माइनस का डिजिट सब्ट्रैक्शन के डिजिट से क्या होगा इस्तेमाल होगा। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है यहाँ 2 है, यहाँ पर क्या है 5 है। ठीक है, माइनस में 1 के डिजिट पर क्या है बच्चों 2 और सब्ट्रैक्ट में 1 के डिजिट पर क्या है 5। 2 इज लेस देन 5, इसलिए 2 क्या करेगा बच्चों 7 से बारह लेगा। ठीक है, यानी कि 2 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो 2 क्या करेगा 7 से बारह लेगा। जैसे ही 7 से बारह लेगा तो 7 जो है ये नंबर से क्या बन जाएगा 6, 1 लेस हो जाएगा 6 और 2 क्या हो जाएगा 2, 12 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ कोई आपको मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा 12 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 12 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने का जो तरीका आपको बताया गया है, ठीक है, कट स्ट्रोक मेथड का इस्तेमाल करेंगे, इसमें बहुत आसान होता है। तो सबसे पहले 12 लाइन हम ड्रा करेंगे या स्ट्रोक जो है ड्रा करेंगे इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, इस तरीके से 12 लाइन आपको ड्रा करना है। फुल लाइन यहाँ पर दूसरा होगा। ठीक है, 12 लाइन आप ड्रा कर लेंगे, चाहे तो यहाँ पर आप समझिए कि यहाँ पर राइट नहीं कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 8। ठीक है, और यहाँ से हमको क्या करना है जो 5 इसको कट करना है। ठीक है, 5 स्ट्रोक का आप कट करेंगे काम करके 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये हम कट कर देते हैं इस तरीके से। रिमेन आप देख रहे हैं काम करने की जरूरत नहीं है, नंबर है तो कितना बचा 7, तो हम यहाँ कह लेंगे दोस्तों 1। ठीक है, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, सेकेंड स्टेप में आएंगे 10 के कॉलम में। तो यहाँ देख रहे हैं 7 से आपको कोई मतलब नहीं है, 6 से यहाँ है, 6, 3 से क्या है मोर है। ठीक है, 6, 3 से मोर है, इसलिए 6 से लेकर 3 बड़े आसानी से आप उसको कर सकते हैं। तो आइए से स्टेप में आप क्या करेंगे 6 लाइन ड्रा करेंगे इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद यहाँ से 3 स्ट्रोक जो है कट करेंगे इस तरीके से आप कर सकते हैं, और उसके बाद रिमेन को आप काट करेंगे 1, 2, 3 क्या बचा 3
ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तो यहाँ 9 और यहाँ पर 4, तो 9 से भी 4 आसानी से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि 9 इज ग्रेटर देन 4। सो आप यहाँ पर 9 इसको ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब यहाँ से 4 स्ट्रोक आपको कट करना है, कट करेगा 1 2 3 4। अब यहाँ से नेक्स्ट स्ट्रोक को काउंट कर लो 1 2 3 4 5, क्या आया 5। इस तरीके से आपका ये जो स्ट्रेस निकल कर आ रहा है 537 इन दोनों का डिफरेंस है, दोनों नंबर जो दिया गया है आपका इसका डिफरेंस 537 है, नंबर 5 हुआ। इस तरीके से बच्चों कट स्ट्रोक मेथड या फिर काउंटिंग बैक नंबर जो होता है मेथड का यूज करके आप इस तरीके से सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन डीकंपोजिशन टेंजेंट टेंस को आप काम कर सकते हैं। आइए बच्चों ऐसे सियोर सेल्स के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एनसीसीओ सेल पेज नंबर आप 26 पर देखेंगे बेटा, ऐसे योर सेल पेज नंबर 26 क्वेश्चन नंबर ये लिखा हुआ बच्चों, कॉपी एंड सब्ट्रैक्ट, कॉपी एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉपी एंड सब्ट्रैक्ट। इसमें हम इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन 110 1 कॉलम बना हुआ है, यहां क्वेश्चन का ए 162 300 14 3। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन आप यहाँ पाले अभी अभी इसी तरीके का क्वेश्चन जो है सॉल्व किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए में इस क्वेश्चन नंबर ए में बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन हमने एग्जांपल के द्वारा समझाया, यहाँ एक क्वेश्चन आप जो है एसएससी और सेल्स का करेंगे और बाकी जो क्वेश्चन होंगे आपके करेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं वन का डिजिट जो है माइन्यूट में वो क्या है, सब हैंड के डिजिट से लेस है, कम है, छोटा है, ठीक है। इसलिए क्या करेगा, यहाँ से आप टेन के डिजिट से ए बार लेगा, ठीक है, उठा लेगा तो ए टू से क्या बन जाएगा बच्चों, 12। टू से क्या बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा, ठीक है। और ये उधार इसको दे रहा है, बारो दे रहा है, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 लेस रहेगा, ठीक, 1 लेस होगा तो यहाँ क्या बचेगा, 5। अब ये आपको समझना है कि ये उधार दे रहा है, यहाँ पर 12 हो जा रहा है इसमें से, लेकिन उधार दे रहा है तो केवल एक ही कम हो रहा है, तो ऐसा हो रहा है। तो यहाँ आप सोचेंगे कि ये एक टेंथ है, ठीक है, आप जानते हैं तो 1/10 इक्वल होता है 10/1, ठीक है, 1/10 इसके इक्वल होता है 10/1 इक्वल होता है। तो यहाँ से ये 1/10 इसको बार हो देगा, 1/10 यानी कि मतलब 10/1, तो यहाँ 2/1 पहले से ही है, 2/1 यहाँ पर पहले से ही है, ठीक है। तो 1/10 यानी कि 10/1 जब इसको मिल जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर हम देते हैं 1 + 10/1, ये क्या बन जाएगा बच्चों, 10/1। इसमें आप प्लस करेंगे क्योंकि ये 1/10 बार दे रहा है, तो 10/1 वहां पर बढ़ जाएगा क्योंकि 1/10 इक्वल होता है
टेन वन से इक्वल होता है। अब यहाँ आप सोचेंगे कि यहाँ पर ही जो है ट्वेल्व मतलब टेन प्लस टू मिल करके ट्वेल्व वन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से वन लेस क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ से तो वन टेन ही कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ से वन टेन कम हो जाएगा मतलब सिक्स टेन ये माइनस हो जाएगा वन टेन, तो निकल कर क्या आएगा आपका फाइव टेन, फाइव टेन, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर फाइव टेन मतलब वन लेस हो रहा है और यहाँ पर जो है टेन प्लस हो रहा है, टेन फोर हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आप इसको समझ रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ देखिए, अब यहाँ टू से आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टू जो है बारह लेकर के ट्वेल्व बन चुका है, और यहाँ सिक्स से आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिक्स जो है बारह लेकर के चेंज हो गया है और फाइव में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब हमको ट्वेल्व में से सिक्स माइनस करना है, तो आप फर्स्ट इनपुट मेथड का यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ट्वेल्व लाइन ड्रा करेंगे उसमें सिक्स कट करेंगे तो आपका क्या आएगा यहाँ पर सिक्स, क्या आएगा सिक्स। और उसके बाद बेटा यहाँ पर क्या बचा है फाइव, फाइव में से फोर बड़े आसानी से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ वन, और हंड्रेड के काल में आएगा बेटा एट माइनस थ्री करेंगे तो आपका आ जाएगा ये फाइव। इस तरीके से आपका इंटीग्रेशन फाइंड हुआ फाइव हंड्रेड सिक्सटीन, फाइव हंड्रेड सिक्सटीन क्या है आपका ये डिफरेंस है, इसको आप आंसर के रूप में लिखेंगे, ठीक है। और इसको एक बात और समझ लेंगे बेटा, यहाँ पर इसको इरेज कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो बातें बताई गई है इसको आप ध्यान देंगे, पहले ये जो बातें बताई गई है इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। इसी से रिलेटेड यहाँ पर जो है बारह वाला क्वेश्चन सब्जेक्शन है, जो डिजिट बारह लेता है, ठीक है, उधार लेगा वो जो है टेन मोर हो जाता है, और जो डिजिट जो है बारह देगा वो ऑन वन लेस हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, ठीक है, ये आप समझ गए। और इसको जानना है कि कौन कौन से डिजिट ऐसे होते हैं जो बारह लेस होते हैं, ठीक है। तो आप जानिए दोस्तों जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट, यही वो डिजिट है, अंक है, ठीक है, या नंबर भी कह सकते हैं आप, जो बारह ले सकता है, ठीक है। नाइन कभी बारह नहीं लेता है, इसका आप ध्यान दे दें, नाइन कभी बारह नहीं लेता है, ठीक है। और जो है यहाँ पर उधार देगा कौन, बारह देगा कौन, तो यहाँ पर आप जानेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, ये सभी टिकट बारह दे सकते हैं, ये सब क्या करेंगे बारह दे सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ये टिकट जो है बारह ले सकता है, ठीक है। जितने टिकट दिखाए गए हैं यही टिकट बारह लेंगे, कब लेंगे बारह, इसको भी ध्यान देना है, जब माइन्यूट का टिकट, ठीक है, सबहैंड के डिजिट से छोटा होगा, ठीक है, माइन्यूट का डिजिट सबहैंड के डिजिट से छोटा होगा तभी जो है ये बारह ले सकते हैं। जैसे इस तरीके से हमने क्वेश्चन किया, यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं सर ये माइन्यूट का डिजिट है, ठीक है, और ये सबहैंड का डिजिट है, तो माइन्यूट का डिजिट सबहैंड के डिजिट से छोटा है इसलिए ये बारह लेगा, ठीक है। एक कंडीशन आप जानिए, और एक टू टू यहाँ आप देख रहे हैं ये बारह दे सकता है, ठीक। अगर मान लीजिए यही चीज आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं टू थ्री और यहाँ लिख देते हैं फाइव, तब क्या होगा, अब देखिए ये थ्री है, थ्री जो है फाइव से क्या है लेस है, तो थ्री तो बारह लेगा ले सकता है, लेकिन जो है जीरो इसको बारह नहीं ले सकता है, क्योंकि जीरो के पास कुछ नहीं है, तो जीरो क्या करेगा पहले टू से बारह लेगा, ठीक है, फिर उसके बाद जब टू
होता है 100 इक्वल 10 टेंस होता है, इसलिए यहाँ पर 10 प्लस हो जाएगा, मतलब 10 मोर हो जाएगा। जब 10 मोर होगा यहाँ 0 में 10 मोर करेंगे तो 10 ही आएगा, और 10 में से इसको 12 देगा, 10 टेंस से 1 12 देगा 1 टेंस, तो यहाँ पर 10 प्लस हो जाएगा और यहाँ 9 टेंस बचेगा, और यहाँ 10 1 12 प्लस हो जाएगा 3 में, तो इस तरीके से 13 1 बन जाएगा, ठीक है। 13 1 हो जाएगा और 13 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 9 टेंस में से 2 टेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ 100 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस तरीके से जो है 12 लिया जाता है और जो है दिया जाता है। अब यहाँ जानिए, अभी वही बात मैंने बताया कि ये वाला अगर 12 इसको देता है तो ये क्या बन जाएगा 0, ये क्या बन ये 12 कर देगा तो ये क्या बन जाएगा 1, ये 12 देगा तो ये क्या बन जाएगा 2, ये 12 देगा इसको तो क्या बन जाएगा 3, 5 12 देगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 4, 6 इसको 12 देगा तो बन जाएगा यहाँ पर 5, इसी तरीके से 7 12 देगा तो 6, और यहाँ पर 8 12 देगा तो 7, ठीक है, और 9 भी 12 दे सकता है तो 9 12 देगा तो क्या बन जाएगा 8, ठीक है। 12 देने के बाद एक चेंज हो जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से बन जाते हैं, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा, और ये अगर 12 ले रहे हैं इससे, ठीक है, तो यहाँ पर 10 मूल हो जाता है, 10 मूल हो जाएगा तो आप 10 प्लस कर सकते हैं उसी तरीके से सब में, तो ये 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तो 10 प्लस तरीके से 11 हो जाएगा, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि 10 प्लस करने पर वो जो है ये नंबर 10 हो जाता है, और यहाँ 1 माइनस होता है मतलब 1 लेस होता है तो ये नंबर 10 हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये सिंपल क्वेश्चन था सबट्रैक्शन से रिलेटेड, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे था वर्ड कार्बन क्वेश्चन, सबट्रैक्शन से रिलेटेड एक पहला क्वेश्चन था बच्चों इस एसएससी की ओर से था, पेज नंबर 26 पर, ये आप इसको देखेंगे पहले, एक क्वेश्चन हमने इसमें से सॉल्व कराया है। यहाँ देखिए आज सिंपल क्वेश्चन ही करिए केवल, ये क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ से इस एसएससी ओर से का पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया है बोर्ड पर, और ये सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, टोटल इसमें 4 क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन होमवर्क के रूप में करेंगे, केवल 3 ही क्वेश्चन बस बचा है, और क्वेश्चन यहाँ पर होमवर्क में ले लेंगे, ठीक है। कॉपी एंड सब्ट्रैक्ट फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ ठीक बच्चों, सेकंड क्वेश्चन और क्वेश्चन यहाँ
ये टोटल छह क्वेश्चन नंबर जो होमवर्क रूप में साथ ही एसएससी और सिर्फ का क्वेश्चन नंबर ए आप होमवर्क रूप में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। टाइम टेक केयर।